अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये अपडेट जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि डेली की बुनियाद पर सऊदी अरब में कितने कोरोना वायरस के केस सामने आते रहते हैं, उस हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को अपडेट करते रहता हूँ। तो आज की तारीख में सऊदी अरब के अंदर 138 नए केस सामने आए हैं, जिससे कि सऊदी अरब में टोटल जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो हो चुकी है 2523, यानी कि 2523 टोटल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सऊदी अरब के अंदर हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 551 लोग जो हैं वो शिफा हासिल कर चुके हैं, यानी कि इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 63 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, जबकि मरने वालों की जो तादाद है वो 38 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत भी सऊदी अरब में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अलग अलग सिटी में कितने कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। टोटल सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है रियाद में, जहाँ पर 757 के जो हैं अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद मक्का मुकरमा है जहां पर 483, जद्दा 378, मदीना मुनव्वरा 252, दम्माम 149, कतीफ़ 146, हुफूफ 44, खोबर 39, ताइफ 37, दहरान 36, तबूक 32, खमीस मुसैद 25, आभा 18, नजरान 17, जाजान 16, 15 केस बिसा, अल खबजी, बुरैदा, अल बहा में 14-14 केस, रास तरूना 5, अल रास 4 और माहिल यासीर 3। और आपको बता चलें कि रुबैदा, आरआर, जुबैल, अल तवादमी, अल हनिकिया, अल बातन, इन तमाम जगहों पर जो है वो 1 से लेकर 2 केस मौजूद हैं। तो ये थे दोस्तों सऊदी अरब में आज कोरोना वायरस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।